में लगता है कि इस तरह से झूठ के झाड़ पे खड़े होकर के जो लोग झुंझुना बजाते हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह के झुंझुने बजने से पहले टूट जाते हैं। और अगर वो आप पार्टी से प्रभावित होकर के आपका जो हिट एंड रन प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का कोई हिस्सा बनना चाहता है तो हमें लगता है वो उससे उनको सफलता नहीं मिलेगी। जहाँ तक सवाल है अरुण जेटली जी का, अरुण जेटली जी एक बहुत ही पारदर्शी नेतृत्व है उनका, एक पारदर्शी व्यक्ति हैं, एक ईमानदार व्यक्ति हैं और ईमानदारी के साथ उन्होंने सियासत की सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। उसके लिए उन पर जो है वो बेईमानी का दाग लगाने की कोशिश करना शुद्ध रूप से ईमानदारी पर कलंक लगाने की कोशिश है। उनका अपना अधिकार है, वो चाहें तो कर सकते हैं, मगर राजनीति में इस तरह की बातें होती रहती हैं कि भाई मैंने आपके खिलाफ कुछ कहा, आपने फिर कहा कि मैं आपको सू कर दूंगा या आपके खिलाफ हर्जाने का मुकदमा दर्ज करूंगा। तो ये प्रक्रिया है, सबके अपने अपने अधिकार हैं। अरुण जेटली का बिल्कुल अपना अधिकार है कि वो उन्हें लगता है कि उन्हें खामखा ही बदनाम किया जा रहा है तो वो बिल्कुल अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। व्यक्तियों के सरकारों के बीच के विवाद हैं, जांच बैठी है, उसको अपना काम करने दीजिए। उधर दिल्ली सरकार ने भी कमीशन इंक्वायरी सेट कर दी। दूध का दूध पानी का पानी आने दीजिए।